बुधवार की रात देश जब गहरी नींद में था तो लाहौर से आई बुरी खबर ने देश को हिला दिया। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे सरबजीत ने मौत के आगे हार मान ली। शुक्रवार को हमले के बाद ही कोमा में चले गए सरबजीत के बचने की उम्मीद डॉक्टरों को कम ही थी और आखिरकार देर रात उनका निधन भी हो गया। ये खबर सुनने के बाद सरबजीत के परिवार वालों पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। परिवार ने सरबजीत की मौत के लिए पाकिस्तान को जी भर कर कोसा। एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपका आपके साथ विश्वासघात किया पाकिस्तान ने। इस घिनौनी हरकत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बोली बोलो, हमला बोलो अब पाकिस्तान पर। अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया, वक्त है अब जवाब देने का, एक होने का, एक मुठ होकर चलने का। सरबजीत के मौत के बाद सरकार भी हरकत में आई और फौरन ही पाकिस्तान से सरबजीत का शव देने की मांग की गई। बाद में सरकार ने शव लाने के लिए सारे इंतजाम किए। एयर इंडिया का विशेष विमान दोपहर बाद सरबजीत का शव लेने के लिए लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय उच्चायोग के लोगों को सरबजीत का शव भी सौंप दिया। देर शाम सरबजीत के परिवार के लोग भी अपने गांव पहुंच गए। उधर पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते दबाव के बीच सरबजीत की मौत की न्यायिक जांच का ऐलान किया। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने उनकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया है। डॉक्टरों ने इस बात से इंकार किया कि उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने सरबजीत के शव का पोस्टमार्टम भी किया और माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हालांकि सरबजीत का दोबारा भारत में पोस्टमार्टम किए जाने की मांग भी हो रही है। भारत सरकार ये मानती है कि उनको सरबजीत को गलत तरीके से फंसाया गया और पाकिस्तान ने उसका कत्ल किया है और आज उनका सम्मान के लिए पंजाब सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के ये है सरबजीत का एक सम्मान करेगी, क्योंकि उनकी बेटियों का यही डिमांड था कि हमारे बाप की जो लास्ट जो अर्थी है वो उठे तो उसको सम्मान के साथ किया जाए। अमृतसर से एक हेलीकॉप्टर के जरिए सरबजीत के शव को उनके पैतृक गांव भिखी विंड ले जाया जाएगा। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करीब 2 बजे किया जाएगा। माना जा रहा है कि कई मंत्री और यूपीए के कुछ बड़े नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। सरकार ने सरबजीत के परिवार को जहां 25 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है, वहीं पंजाब सरकार ने उनकी दोनों बेटियों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़।